कैंडीड मिक्स पील बनाने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स के छिलके लेने हैं। मैं यहाँ कीनू, संतरा, मौसमी और नींबू ले रही हूँ। आप कोई भी सिट्रस फ्रूट्स लेकर कैंडीड पील बना सकते हैं। कीनू को हमें पहले छीलना है, इसके वाइट पोर्शन को हमें निकालना है जितना आसानी से निकल सके। अब इनको लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लें। इसी तरह संतरे और मौसमी के छिलकों को भी काट लें। सिट्रस फ्रूट्स के हरे, नारंगी, पीले आदि विविध खिले खिले रंग आपकी डिश को ताजगी भरा रंग रूप प्रदान करते हैं। बड़े आकार के सिट्रस फ्रूट्स के छिलके निकालना आसान है, लेकिन छोटे आकार के सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू के छिलकों को निकालने के लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। छिलकों को बाहर और गूदे को अंदर की ओर सावधानी से दबाते हुए नींबू का छिलका निकालें और सफेद भाग निकालकर इन्हें भी लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लें। सिट्रस फ्रूट के छिलकों में एक कड़वापन होता है, जिसे कम करने के लिए हमें इन्हें उबालना है। इसके लिए एक पैन में इसमें कीनू, संतरा, मौसमी, नींबू के कटे हुए छिलकों को डालें। अब इसमें पानी डालकर उबालने रखें। पैन को ढकने की जरूरत नहीं है, इसे खुला रखकर ही उबालें। हमारे छिलके हल्के से पक भी जाएंगे और उनका कड़वापन भी पानी में आ जाएगा। जब पानी में उबाल आ जाए तो छिलकों को 25 मिनट और पकाएं। अब एक छन्नी लें और छिलकों को छान लें और निथारने के लिए रख दें। अब एक बर्तन में चीनी डालें, पानी डालें, गैस ऑन करें। चीनी घुलते ही उसमें छिलके डाल दें। अच्छी तरह चला लें, उबाल आने दें। बीच बीच में चलाते हुए तकरीबन 20-25 मिनट और पकाएं। छिलकों को छान लें। एक बर्तन में चीनी डालें, चीनी को पूरी तरह फैला लें। छिलकों को डालकर चम्मच से हिला लें, इससे चीनी छिलकों को कोट कर लेगी। अब इन्हें पंखे की हवा में या सनलाइट में सूखने के लिए रख दें। इस दौरान चीनी पानी छोड़ेगी और फिर छिलकों को कोट कर सूख जाएगी। ये प्रोसेस ठीक से हो जाए इसके लिए इसे बीच बीच में हिलाते रहें और टैप करते रहें। गर्मियों में एक दिन और सर्दियों में अधिकतम 3 दिन में आपका कैंडीड मिक्स पील बनकर तैयार हो जाएगा।